दोस्तों, अगर आम जिंदगी की बात करें तो एक इंसान की पावर का अगर हमें अंदाजा लगाना है तो यार ऐसे बताते हैं कि भाई ये इंसान तो 100 किलो वजन उठा लेगा और ये इंसान इतने मिनट में इतने मीटर की दौड़ लगा लेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप भी हमारी तरह एक कार लवर हैं, और कार लवर्स के लिए पावर का मतलब होता है गाड़ी के अंदर पावर, और गाड़ी की पावर होती है उसके इंजन में, और दोस्तों इंजन की पावर नापी जाती है टॉर्क और बीएचपी में। अक्सर दोस्तों लोग इन टर्म्स को इसमें कंफ्यूज रहते हैं जब भी वो कार खरीदते हैं या फिर किसी कार की स्पेसिफिकेशन देखते हैं कि यार ये टॉर्क और बीएचपी का मतलब क्या है, किसी गाड़ी में इतना टॉर्क, किसी गाड़ी में इतना बीएचपी, मतलब कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है यार दिमाग में। दोस्तों आज इस वीडियो को देखने के बाद ना आपकी ये जो कंफ्यूजन है ये एकदम दूर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, हो सकता है वीडियोस तो आपने और भी देखी हो टॉर्क वर्सेस बीएचपी पे, लेकिन आपको पता है आपके भाई तो इंजीनियर हैं, तो दोस्तों हम करते हैं एकदम रिसर्च बेस्ड बातें। तो दोस्तों फुल रिसर्च करके हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जिससे आपकी ये कंफ्यूजन है आपकी पूरी दूर हो जाएगी, और हम आपको एक नॉर्मल आम आदमी की भाषा में एकदम सिंपल तरीके में समझाएंगे कि टॉर्क का क्या मतलब है और बीएचपी का क्या मतलब है, और आपके लिए ज्यादा जरूरी कौन सी है, जब भी कार खरीदे तो टॉर्क ज्यादा होनी चाहिए या बीएचपी ज्यादा होनी चाहिए। पूरा दोस्तों हम आपको सोल्यूशन देंगे और आपको एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलेगा आपकी कंफ्यूजन का। तब तक दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर आपको भी गाड़ी भगाना पसंद है तो आपने गाड़ी को कितने स्पीड तक चढ़ाया हुआ है। दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कि ये एक्चुअल में क्या चीजें होती हैं और क्या हमारे लाइफ में ये फर्क पड़ता है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉर्क क्या होता है। दोस्तों आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ, टॉर्क एक रोटेटिंग या फिर एक ट्विस्टिंग फोर्स होता है जो कि हमारी हेल्प करता है जब भी हम किसी चीज को घुमाते हैं उस टाइम पे जो एक्ट करता है वो होता है टॉर्क। अगर दोस्तों मैं इसको एग्जांपल के साथ समझूं तो जैसे अगर आपने कभी अपनी गाड़ी का टायर अगर पंचर होने की कंडीशन में अगर टायर को कभी खोला है या फिर कभी मिस्त्री से अगर खुलवाया है तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा आप क्या करते हैं, एक रेंच लेते हैं, रेंच को बोल्ट के अंदर डाल के उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो दोस्तों उस कंडीशन में उसके ऊपर जो फोर्स काम करता है वो होता है टॉर्क। दोस्तों अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो टेक्निकल जो फॉर्मूला होता है टॉर्क का वो होता है फोर्स इंटू रेडियस इंटू साइन थीटा। दोस्तों फोर्स क्या है, जो भी हमने पाने के ऊपर जो फोर्स लगाया वो होगा F, और उसके बाद में जो जितनी टोटल लेंथ होगी मतलब कितनी दूरी पे हम उस फोर्स को लगा रहे हैं वो होगी हमारी रेडियस। जिस दूरी पे हम वो फोर्स लगा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम वो फोर्स लगा रहे हैं उसका जो एंगल होगा उस पाने के साथ में मतलब उस रोड की लेंथ के साथ में वो होगा दोस्तों साइन थीटा हमारा एंगल। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपना टॉर्क निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जब भी हमारी गाड़ी पंचर हो जाती है तो जब भी हम उसका बोल्ट ओपन करना होता है तो पाने की मदद से जब हम उसको ओपन करते हैं तो हम पाना डालने के बाद में ऊपर से फोर्स लगाते हैं तो उस कंडीशन में टॉर्क काम करता है। अगर उस कंडीशन में हमारा बोल्ट अगर ओपन नहीं होता तो हम क्या करते हैं कि उसमें एक लंबी रोड लगा देते हैं, उसकी लेंथ को बढ़ा देते हैं। अगर जैसे ही हम उसकी लेंथ को बढ़ाएंगे और तब उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो जैसे आपको पता है कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो जो टॉर्क है वो बढ़ जाएगा। जैसे ही उसके अंदर एक रोड कनेक्ट होगी हमारा जो टॉर्क होगा वो बढ़ जाएगा और उसकी मदद से हम उसको ओपन कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों उस कंडीशन में हमारा फोर्स तो सेम है लेकिन हमारा जो रेडियस है यानी कि जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी जिसकी वजह से हमारा टॉर्क भी बढ़ जाएगा। अब दोस्तों इंजन में किस तरीके से काम करता है तो दोस्तों समझ लेते हैं इंजन के कंपोनेंट से ही कि वो किस तरीके से काम करता है। दोस्तों एग्जांपल के लिए मैं यहां पर एक पिस्टन का यूज करूंगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पिस्टन है, नॉर्मल गाड़ी की पिस्टन है। दोस्तों अभी आपको समझाने के लिए हमने पिस्टन अरेंज की है स्पेशली, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों समझ लेते हैं कि किस तरीके से टॉर्क काम करता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे इंजन सिलेंडर के अंदर कुछ मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो के बारे में भी जान सकते हैं और जान सकते हैं कि इंजन किस तरीके से काम करते हैं और कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे इंजन में यूज होते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं टॉर्क की तो दोस्तों कुछ इस तरीके की हमारी पिस्टन होती है, इसमें अभी मैं क्रैंकशाफ्ट भी डाल देता हूं। तो दोस्तों यह है हमारी क्रैंकशाफ्ट, तो कुछ इस तरीके से हमारी क्रैंकशाफ्ट होती है। अगर मैं बात करूं फोर्स की तो कुछ यहां पर इस वाली पोजीशन पे आपको पता है कि कम्बशन होता है, जैसे ही कम्बशन होगा तो कम्बशन होने के बाद में तो हमारी पिस्टन जो है टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाएगी, मतलब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक जाएगी और मूव करेगी। दोस्तों आपको पता है कि हमारी जो क्रैंकशाफ्ट होती है उसकी पोजीशन सेम होती है, हालांकि वो रोटेट करती है कुछ इस तरीके से, लेकिन उसकी जो पोजीशन होती है वो बिल्कुल सेम होती है और हमारी जो पिस्टन है वो ऊपर नीचे मूव करती है। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पर कम्बशन होगा तो उस कंडीशन में हमारा जो लीनियर मोशन होगा, हमारी जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ मूव करेगी और जो लीनियर मोशन होगा वो एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों कुछ इस तरीके से काम करता है। अब इसमें टॉर्क कहाँ पर आया, दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया तो ये तो हो गया मेरा फोर्स, जैसे कि हमने फॉर्मूले में बात की थी एफ, और दोस्तों ये जो हमारी कनेक्टिंग रोड की जो भी लेंथ होगी वो हो जाएगी हमारी रेडियस। अब भाई थीटा, थीटा जो होगा दोस्तों हमारा जैसे ही हमारे जो
लीनियर मूवमेंट जो है और वो एंगुलर में बदलेगी या रोटेशन में बदलेगी, तो जैसे ये पोजिशन चेंज होगी इस वाली पोजिशन की, तो इसके साथ में जो पिस्टन के ऊपर और यहाँ का जो एंगल होगा दोस्तों, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो होगा हमारा थीटा, मतलब ये हमारा एंगल हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे इंजन में। दोस्तों जितनी ज़्यादा हमारी ये इसके ऊपर फोर्स और जितनी ज़्यादा लंबी ये कनेक्टिंग रोड होगी उतना ही ज़्यादा दोस्तों हमारा टॉर्क होगा। दोस्तों ज़्यादातर आपको पता है कि जैसे डीजल इंजन जो भी होते हैं उनके अंदर हमें टॉर्क देखने को ज़्यादा मिलता है। उसके दो रीजन्स हैं दोस्तों, एक तो इंजन का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से होता है, कनेक्टिंग रोड की लेंथ थोड़ी लंबी होती है और वहीं पर डीजल एक ऐसा कॉम्पोनेंट है जो कि हायर कंप्रेशन रेशियो पे काम करता है जिसकी वजह से हमें टॉर्क ज्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आपको भी पता है कि भाई डीजल के अंदर टॉर्क ज्यादा क्यों होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, अदरवाइज हम भी आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो जरूर इसके ऊपर लेकर आएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बीएचपी के बारे में कि हॉर्स पावर यानी कि पावर एक क्या चीज होती है। दोस्तों जो एक्चुअल पावर जो इंजन प्रोड्यूस करता है, मतलब जो ताकत जो इंजन प्रोड्यूस करता है वो होती है उसकी पावर यानी कि एचपी। और लेकिन जो एक्चुअल में जो व्हील्स के ऊपर पहुंचती है मैकेनिकल लॉसेस को हटाने के बाद में जो एक्चुअल पावर व्हील्स तक पहुंचती है वो होती है दोस्तों बीएचपी, ब्रेक हॉर्स पावर। दोस्तों पावर को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई इंसान या फिर कोई गाड़ी कितना काम कर सकती है और कितनी तेजी से कितनी जल्दी वो कर सकती है। दोस्तों एग्जांपल के लिए मैं हमारी क्रैंकशाफ्ट उठा लेता हूं। दोस्तों अगर ये हम मेरे पास एक बोतल को समझ लेते हैं, ये कि हमारे पास बोतल है, तो अगर मैं इस बोतल को एक मिनट में इस ढक्कन को मैं ओपन कर रहा हूं, मेरे अंदर टॉर्क है, मैं अगर खुद को एक इंजन मानूं मेरे अंदर टॉर्क है, लेकिन मैंने अगर इसको एक मिनट में ओपन किया तो मेरी पावर कम है। लेकिन इसी तरीके से मैं एक मिनट के अंदर इसको 10 बार ओपन कर देता हूं तो मेरी पावर जो है ज़्यादा हो जाएगी। मतलब दोस्तों पावर को कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कितनी जल्दी हम किसी काम को कर सकते हैं। उससे मेरा क्या फायदा? तो दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे भाई इसमें मेरा क्या फायदा, तो दोस्तों अभी आपके ही फायदे की बात होने वाली है। ये तो थोड़ी टेक्निकल बात है, अब बात करेंगे कि आपके लाइफ में किस तरीके से ये मैटर करती हैं और क्या आपको प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहिए कि आपको क्या चीज देखनी चाहिए जब भी आप एक गाड़ी खरीदते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों अगर हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करें कि यार प्रैक्टिकली क्या ज्यादा मैटर करता है, तो दोस्तों मैटर करता है टॉर्क। टॉर्क जो होता है दोस्तों वो हमें ज़्यादा अच्छा इनिशियल एक्सेलरेशन देता है। मतलब अगर एक गाड़ी लोड है, अगर एक कार में 500 किलो वजन है फॉर एग्जांपल, तो अगर एक गाड़ी के अंदर टॉर्क ज़्यादा है और वहीं अगर सेम गाड़ी है बस उसके अंदर टॉर्क जो है वो कम है, तो दोस्तों जिसके अंदर टॉर्क ज़्यादा है ना वो ज़्यादा आसानी से उस लोड को लेकर आगे बढ़ जाएगी। दोस्तों इनिशियल एक्सेलरेशन जो है हमें वो टॉर्क प्रोवाइड करती है। वहीं दोस्तों अगर हम बीएचपी की बात करें, बीएचपी दोस्तों हमें ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड अचीव करने में हेल्प करता है। मतलब अगर कोई गाड़ी है, एक गाड़ी में टॉर्क ज़्यादा और एक गाड़ी में बीएचपी ज़्यादा है, तो दोस्तों टॉर्क वाली अगर चढ़ रही है 140 पे तो बीएचपी वाली हो सकता है 160 170 पे चढ़ जाए। ये बेनिफिट होता है दोस्तों बीएचपी का। बट दोस्तों प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो टॉर्क हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल है। दोस्तों गाड़ी की स्पेसिफिकेशन में आपने देखा ही होगा कि जनरली डीजल कार्स की जो टॉर्क होती है वो ज़्यादा होती है और बीएचपी जो है पेट्रोल के कंपैरिजन में कम होती है। वहीं टॉर्क की अगर हम बात करें, पेट्रोल इंजन में कम होती है और बीएचपी जो है वो ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों पेट्रोल के जो है वो इंजन लाइटर होते हैं तो वो दोस्तों हमें हाई आरपीएम पे पावर डिलीवरी करते हैं। वहीं दोस्तों डीजल के जो इंजन होते हैं वो लो आरपीएम पर ही ज्यादा पावर डिलीवर कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों हैवी इंजन होते हैं और वो कम आरपीएम पे काम करते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों हमें वो लो आरपीएम पे अच्छी पावर प्रोवाइड कर देते हैं। और जो पेट्रोल के इंजन है वो हमें ज्यादा आरपीएम पे जाने के बाद ही अच्छी पावर प्रोवाइड करते हैं। इसका प्रैक्टिकल फायदा क्या है दोस्तों डीजल के? इसी वजह से दोस्तों डीजल इंजन हमें अच्छी माइलेज देते हैं और पेट्रोल इंजन एज कम्पेयर टू डीजल हमें कम माइलेज देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि दोस्तों अगर हम एक गाड़ी की बात करें तो डीजल की कार अगर कोई काम कर पा रही है तो पेट्रोल की काम नहीं कर पाएगी, कर वो भी लेगी, लेकिन दोस्तों जो पेट्रोल की कार है वो ज़्यादा तेल खा के करेगी और डीजल की कार वही काम कम तेल खा के करेगी क्योंकि उसके अंदर जो टॉर्क है वो ज़्यादा है। अगर दोस्तों इसे हम नॉर्मल भाषा में समझें, अगर एक दोस्तों एग्जांपल लें, अगर आप पहाड़ी पे गाड़ी चढ़ा रहे हैं तो दोस्तों डीजल की कार ज़्यादा आसानी से चढ़ जाएगी, कम आरपीएम पे चढ़ जाएगी, और एक पेट्रोल की कार जो है आपको उसको ज़्यादा एक्सेलेटर देना पड़ेगा, उसको ज़्यादा आरपीएम पे ले जाना पड़ेगा, तब जाके वो कार चढ़ेगी, जिसकी वजह से वो फ्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा खाएगी। अगर उसको प्रैक्टिकली हम समझें कि मान लो हमें 100 मीटर की रेस दौड़नी है, एक पतला इंसान है और एक थोड़ा नॉर्मल इंसान है, एक इंसान का वजन है 60 किलो और एक इंसान का वजन है 100 किलो। अब दोस्तों 60 किलो वाला जो इंसान है वो उस 100 मीटर की दौड़ को मान लेते हैं कि 5 सेकंड में वो कर देता है फॉर एग्जांपल, और वहीं दोस्तों जो 100 किलो वाला इंसान है वो उस दौड़ को करता है 10 सेकंड में। लेकिन अगर वही जो इंसान है 10 सेकंड के अंदर वो 150 किलो वजन अपने सर पे लेके वहाँ तक पहुँचा दे, और वहीं जो पतला इंसान है वो एक वजन को लेके वहाँ तक पहुँच ही ना पाए, या फिर वो 20 सेकंड लगा दे 25 सेकंड लगा दे, तो उस केस में दोस्तों वो जो मोटा इंसान है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल हुआ। सेम दोस्तों जैसे एक डीजल कार ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है, उसके अंदर भले ही दोस्तों स्पीड इतनी ना अचीव कर पाए,
ऐसा नहीं है कि दोस्तों वो स्पीड अचीव नहीं कर पाती, टॉप स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, पेट्रोल जितनी ना अचीव कर पाए, बट प्रैक्टिकलिटी की अगर हम बात करें तो डीजल कार जो है उसके टॉर्क ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है अगर हम पावर के मामले में देखें तो। और यहाँ दोस्तों हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि पेट्रोल कार खराब है या फिर डीजल कार खराब है, सिर्फ हम पावर के बेसिस पे डिफरेंस कर रहे हैं कि टॉर्क और बीएचपी के बेसिस पे कि ज़्यादा इजीली कौन सी गाड़ी हमको एक्सेलरेशन दे देगी, उसमें दोस्तों डीजल हमेशा जीतती है। और दोस्तों सिर्फ ये एक पावर का पॉइंट है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए। अब दोस्तों इस कंपैरिजन से तो आपको यही लग रहा होगा कि डीजल इंजन ज़्यादा सुपीरियर हैं, बट दोस्तों हर कंडीशन के हिसाब से अलग अलग फैक्टर्स पे हर फ्यूल की अलग एडवांटेज होते हैं और डिसएडवांटेज होते हैं। इसीलिए दोस्तों हमने आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, सीएनजी पेट्रोल और डीजल तीनों के बीच में दोस्तों हमने एक डिटेल्ड एनालिसिस दे रखा है कि आप कहाँ पे रहते हैं, आपकी डेली रनिंग कितनी है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बेस पर दोस्तों हमने आपको डिटेल सजेशन दे रखा है कि आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी। तो दोस्तों इस चीज को जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक कर लो। तब तक दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों स्टे ट्यून्ड एंड कीप एक्सेलरेटिंग विद टर्बो एस्पिरेटेड।